दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस राज्य के बारे में बताने वाला हूँ वो भारत का पहला डिजिटल स्टेट है। यहाँ आपको हर कोई पढ़ा लिखा मिल जाएगा। यहाँ के लोगों में एक बात बहुत ही स्पेशल है, यहाँ के लोग दूसरे राज्य की तुलना में 10 साल ज़्यादा जीते हैं। ये राज्य बेकारी मुक्त राज्य है। यहाँ आपको लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ज़्यादा दिखेंगी। एक ऐसा राज्य जिसे लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, आज मैं आप लोगों को केरल के बारे में बताने जा रहा हूँ। केरल झीलों, नदियों, समुद्र तट और नारियल पेड़ से भरा एक बहुत ही प्यारा राज्य है। यहाँ की कुल जनसंख्या 3.5 करोड़ है और यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम है। सबसे पहले इस राज्य का नाम केरल क्यों पड़ा? मलयालम भाषा में केरम शब्द से केरल का उत्पत्ति हुआ है, जिसका मतलब है नारियल का पेड़। इसीलिए इस राज्य को लैंड ऑफ कोकोनट कहा जाता है। यहाँ आप जिधर देखो, जहाँ देखो, आपको सबसे ज़्यादा नारियल का पेड़ देखने को मिलेगा। केरल में आपको हर कोई पढ़ा लिखा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की साक्षरता हार 93% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये प्रतिशत सिर्फ भारत के केरल में ही देखने को मिलता है। इस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं, जो कि भारत के किसी भी राज्य में ये देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ के लोगों में एक बात बहुत ही स्पेशल है और वो है यहाँ के लोग दूसरे राज्य की तुलना में 10 साल ज़्यादा जीते हैं, जो कि हैरानी की बात है। दूसरे राज्य में एक इंसान की जीवन काल 65 साल है, लेकिन यहाँ के लोगों की जीवन काल 75 साल है। केरल आयुर्वेद को सबसे पहले अपनाने का दावा करता है। इन लोगों का मानना है कि ये लोग आयुर्वेद को सबसे पहले उपयोग में लाए थे और यहाँ बहुत सारी पुरानी रिसर्च सेंटर भी आपको मिल जाएगा। इस राज्य में 44 नदियाँ बहती है। हालांकि इस नदियों के फायदे भी है तो नुकसान भी है। केरल में हर साल बाढ़ आती है, जो कि यहाँ की इकोनॉमी को हिला कर रख देती है। जिस तरह केरल लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से जाना जाता है, उसी तरह लैंड ऑफ एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको 700 से अधिक एशियाई हाथी देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर हाथी धार्मिक स्थल और मंदिरों में दिखाई देती है। भारत में सबसे पहली बारिश केरल में ही होता है। यदि आप केरल में हो तो आप पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 10 दिन बाद मुंबई में बारिश होगा, क्योंकि 10 दिन बाद ही मुंबई में बारिश होता है। दुनिया की सबसे अमीर मंदिर केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहाँ की कुल संपत्ति 1,00,000 करोड़ है। यदि आप चाहते हैं कि इस मंदिर के बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट जरूर करना। ये राज्य भारत का पहला डिजिटल स्टेट है और बैंकिंग सेक्टर को 100% शामिल करने वाला पहला राज्य भी है। यहाँ आपको कोई भी भिखारी देखने को नहीं मिलेगा। ये राज्य पूरा भिखारी मुक्त राज्य है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। जिस तरह हर चीज़ का अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होता है, यहाँ भी है। यहाँ के लोग शराब बहुत पीते हैं और ये इतना शराब पीते हैं कि इस मामले में भी भारत में सबसे आगे है। यहाँ की प्रति व्यक्ति 1 साल में 8 लीटर शराब पी लेता है
और शराब से युवाओं को दूर रखने के लिए एक गांव ने चेस खेल का आरंभ कर लिया और इस गांव से बहुत सारे चेस वर्ल्ड चैंपियन निकले। ये थे केरल के बारे में कुछ अनसुनी रोचक बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।